हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी विद बनर्जी स्टाइल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो बात करना चाहती हूँ वो है मेकअप के बहुत अहम टूल्स के बारे में, जो कि है एक ब्यूटी ब्लेंडर। ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो मेकअप के सारे मेकअप आप इसी ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू कर सकते हैं और आपका मेकअप आसानी से ब्लेंड हो जाता है इससे। और अगर आप इससे ब्लेंड करते हैं तो फ्लॉलेस मेकअप उभर के आता है। और ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है, बात की जाए तो ये काफ़ी सारे शेप्स में आता है, काफ़ी सारे प्राइजेस में आता है। मार्केट में ये आपको 100 से लेकर 2000 या उससे भी अधिक जो महंगे ब्रांड्स हैं उसमें भी मिल जाते हैं आपको। और अफोर्डेबल अगर लेते हैं आप हुडा ब्यूटी का, तो ये आपको 250-230 के अराउंड मिलता है। और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लू हेवन के भी हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज़ के ब्यूटी ब्लेंडर हैं। ये काफ़ी सारे शेप्स में आते हैं, जैसे कि पियर शेप होता है एक, ये देखिए इसको पियर शेप कहते हैं। ये एक नाशपाती के शेप का ब्यूटी ब्लेंडर होता है जो कि आपके फाउंडेशन बफिंग के काम आता है। कैसे भी आप कर सकते हैं इसको यूज़। और ये एक इस तरह का आता है, ये टीयर शेप में है और इधर से फ्लैट है। इससे जो है आप जो है ब्यूटी जो अपना फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड अच्छे आसानी से फाउंडेशन कर सकते हैं। हम इसी ब्यूटी ब्लेंडर से अपना जो है कंसीलर भी ब्लेंड कर सकते हैं। हम इसी ब्यूटी ब्लेंडर से अपना जो है फाउंडेशन भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसी से हम कॉन्टोर भी कर सकते हैं और इसी से हम ब्लश भी ब्लेंड कर सकते हैं। और इसको तरीका जो होता है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो होता है, वो आइए आज हम आपको बताते हैं। कभी भी ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करने के लिए आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमेशा आप ब्यूटी ब्लेंडर को एक पानी में इसको डिप करके, ये देखिए जैसे ही आपने पानी में डिप किया इसका साइज़ फूलने लगता है। ये कभी कभी डबल और ट्रिपल साइज़ पे हो जाता है। पानी में डिप करने के बाद इसको अच्छे से स्क्वीज़ करना है। अच्छे से स्क्वीज़ करने पे ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है ये आपका, ये देखिए कितना बड़ा हो गया। देखिए साइज़ ये डबल साइज़ का होने लगा। ये देखिए इसको अच्छे से स्पंज को स्क्वीज़ कीजिए और इसमें से जितना भी पानी है वो निकाल लीजिए। अब जो है इसको जो है, अगर आपको लग रहा हो इसमें पानी ज़्यादा है तो आप इसको जो है एक किसी भी कपड़े से या टॉवल से उसको वो कर सकते हैं, थोड़ा सा सुखा सकते हैं। अब ये जो है इस्तेमाल के लिए बिल्कुल आसान हो गया है। अगर आपको कंसीलर आपने यूज़ किया है, ये जो मैं मेबलिन का जो है कंसीलर ले रही हूँ, एज रिवाइव कंसीलर, ये देखिए ये प्रेस किया, देखिए इसको हमने जो है इसी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। जहाँ जहाँ कंसील की ज़रूरत होती है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डैब डैब करके, ये देखिए आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि इसको हम फाउंडेशन इससे कैसे ब्लेंड करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ फाउंडेशन लैक्मे एब्सोल्यूट का स्किन नेचुरल मूज फाउंडेशन, और ये जो है मुझे ट्रायल पैक मिला था, उसको मैं यूज़ करके इस समय दिखा रही हूँ। काफ़ी दिन से ये रखा था और मैं सोच रही थी इसको मैं कब यूज़ करूँगी, तो मुझे आज के वीडियो पे ये समझ में आया कि इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। कलर इसका वही हनी है जो कि मेरे स्किन टोन को मैच करता है। ये आपने लगाया, ये जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर आपको दिखाए हैं ये इस तरह के शेप के अलावा भी कुछ स्पॉन्जेस में भी आते हैं। जैसे कि देखिए ये है, ये देखिए ये है, ये देखिए ये है,
ये देखिए, इससे भी जो है काफ़ी अच्छे से मेकअप हमारा ब्लेंड हो जाता है। ये देखिए कितना फ्लॉलेस लुक आया है। कानों को और गर्दन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इससे हम कॉन्टोरिंग कैसे कर सकते हैं, फेस कॉन्टोर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अगर आप ब्रश करने यूज़ करने चाहते हैं तो ब्रश से पहले आपने अपना लगाया, या मैं काइली का ये कॉन्टोर ब्रश ले रही हूँ। ये लिया, इसको हल्का सा डिप करके इसको भी मॉइस्चर कर लिया। ये देखें, ये मेरे फेस को कॉन्टोर भी अच्छे से कर देगा। ये देखिए जो मैंने एप्लीकेशन लगाया था वो अच्छे से। फेस कॉन्टोर हो गया। अब आइए देखते हैं इसको ब्लश में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लश लिया मैंने पिंक कलर का, लाइट पिंक। थोड़ा सा हल्का सा नोज में नेचुरल दिखने के लिए। अब देखिए ब्लश जो है मैंने लगाया है, अब इसको ये मैंने सेट कर लिया। देखिए गाइस दिख रहा होगा आपको, ये मैंने अच्छे से लगाया था ब्लश। ये देखिए, ये देखिए, ये पिंकिश का टोन लाता ही है ये। मुझे ब्लश काफ़ी पसंद है। ये मालियों का जो है, मालियों का मास्टर ग्लो किट है। इसमें ब्लश काफ़ी अच्छा पिंकिश है। ये देखिए किया, और इससे मैंने आराम से ब्लश जो है ब्लेंड कर लिया। किसी और प्रोडक्ट की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो गाइज हमने आपको दिखाया, इससे हम अपना कंसीलर भी अपना ब्लेंड कर सकते हैं, फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं, इसी से हम अपना ब्लश अप्लाई कर सकते हैं, फेस कॉन्टोर कर सकते हैं, और इसको अगर हम हाइलाइटर लगाना चाहें तो हाइलाइटर भी अगर एक्सेस हो जाता है तो कैसे इसको हम वाइप ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए देखिए गाइस कैसे इस तरह से हाइलाइटर यूज़ हुआ है। कैमरे में अगर आपको कम लग रहा होगा तो भी अगर आप देखिए अंदाजे, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। बिल्कुल भी चमकी नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा चमकीला आपको नहीं लग रहा होगा ये, लेकिन अच्छा खासा कलर आता है इसका। ये देखिए गाइस कितना शाइन आया। आपको ख्याल रखना है इस बात का कि आप इस ब्यूटी ब्लेंडर को ड्राई कभी भी इस्तेमाल मत करिएगा। इससे आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा जाता है। अगर आपने ड्राई इस्तेमाल किया है तो आधा प्रोडक्ट तो आपका यही सुखा लेता है, इसी ये ऑब्जर्व कर लेता है, और बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट जब आप लगाते हैं तो आधा वेस्ट होता है, आधा आपके फेस पे डैबने लगता है। अगर आपने ड्राई लगाया तो उसको आप डैब डैब करने की बजाय ऐसे करके करेंगे तो यह मे भी आपका जो बेस मेकअप है, बेस है वो आपके स्किन से उतर जाए। इसलिए कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए, अपने हिसाब से लीजिए, अपने बजट पे लीजिए, अपने पसंद का लीजिए, उसको जो है इस तरह से वेट कर लीजिए और इसको स्क्वीज़ करके जब इस हल्का मॉइस्चर रहे इसमें, बस इतना ही ख्याल रखिए, और उसके बाद इसको यूज़ करिए। कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर आपको यूज़ नहीं करना है। सो गाइस
कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरा जो है जो भी जानकारी मैंने आपको दी हुई मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और मेरा वीडियो देख सके। लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।